हेलो ऑफिसर्स, आज प्रक्रम टेस्ट सीरीज जो सेम आईबीपीएस के पैटर्न पर चल रही है, उस टेस्ट सीरीज के लिए धींगड़ा क्लासेस की कंप्यूटर लैब में मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। इस सीरीज में जो एनवायरनमेंट है वो भी सेम वैसा ही है जैसा कि ऑनलाइन एग्जाम में आईबीपीएस में होता है, और साथ ही जो यहाँ पर मॉक टेस्ट का जो लेवल रखा गया है, मॉक टेस्ट का लेवल भी सेम वैसा ही है जैसा आईबीपीएस में होता है। कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर बना ही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या। तो अभी थर्ड शिफ्ट जो है वो खत्म हुआ है। चलिए जानते हैं ऑफिसर्स इन स्टूडेंट से कि इनका थर्ड शिफ्ट में क्या रिव्यू है, कैसा इनको माहौल लगा और कैसा इनको टेस्ट का लेवल लगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। गौरव चौहान। गौरव चौहान, गौरव मैं अगर आपसे पूछूं कि लेवल कैसा था पेपर का? एकदम एग्जाम लेवल। एग्जाम लेवल था। आपने इससे पहले आईबीपीएस दिया है? यस सर। तो क्या कहेंगे आप कि आईबीपीएस में जो माहौल रहता है, एनवायरनमेंट रहता है, वो सेम था यहाँ पे? सेम वही माहौल है, एकदम यूं लग रहा है जैसे हाथ कांपते हैं क्वेश्चन करने से पहले। घर पे तो एकदम कंफर्टेबल होते हैं, यहाँ रात दिन का फर्क है, रात और दिन का फर्क रहता है। घर पे एकदम ईजी लगता है, आराम से करते हैं। यहाँ पे थोड़ा यूँ हाथ कांपते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, एजिटेशन बहुत ज़्यादा, नर्वसनेस बहुत रहती है। सर एनवायरनमेंट का फर्क था, जैसे घर पर बैठ के देते हैं तो फिर बहुत ही रिलैक्स माइंड होता है कि नॉर्मली ईजिली बैठ के दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा जैसे एग्जाम टाइप एनवायरनमेंट था। तो घर पर तो देते हैं तो 60-70 की लाइन में मार्क्स होते हैं, लेकिन आज यहाँ पे मेरे 45 के आसपास थे, तो 15-20 कम हुए। हाँ जी, तो सर बेनिफिशियल तो है कि जैसे एग्जाम टाइप एनवायरनमेंट होता है तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर जैसा घर पे होता है वैसा तो नहीं था। यहाँ माहौल में फर्क लगा कि हाँ लैब में टेस्ट देना, सेम आईबीपीएस का पेपर कभी आपने दिया पहले? हाँ जी, दिया हुआ है मैंने। सेम वैसा ही माहौल था कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसा माहौल था। डर भी वैसे ही लग रहा था जैसे पहले लगता था पेपर देने में। बहुत बढ़िया सर, ज्यादा ही फील हुआ है मुझे तो, बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील हुआ है। लाइक एग्जामिनेशन हॉल का जो एक्सपीरियंस था वो यहाँ पर एकदम से मतलब सेम था। तो एग्जाम सर एकदम एग्जाम लेवल था, थोड़ा अच्छा लेवल था उससे भी, तो तैयारी के लिए बहुत बेटर है सर। प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा मौका था सर। अच्छा, और माहौल भी एकदम लैब वाली फील आ रही थी, एकदम एग्जैक्ट लग रहा था कि एग्जाम में ही बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो घर पे जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उससे यहाँ नंबर में कोई फर्क पड़ रहा था? थोड़ा फर्क पड़ा है, पर वहाँ से थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस होगा यहाँ थोड़ा एग्जाम देने का, एग्जाम का फियर दूर हो जाएगा ये कह सकते हैं। हाँ, ये वो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं ना, तो 10-12 मॉक लगाएंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा सीखोगे। वेरी गुड, अच्छा लगा। एक्चुअली एग्जाम कंडीशन जैसे ही था और बढ़िया था पेपर भी, माहौल देख के माहौल अच्छा था और अच्छी तरह से अटेम्प्ट भी किया था। अच्छा, इन्होंने इस सीरीज में रजिस्टर नहीं करवाया, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही कि उन्होंने एक जो एग्जाम में जो प्रेशर फील करने वाले थे वो हमने पहले ही कर लिया, तो थोड़ा एग्जाम में प्रिपेयर रहेंगे। अच्छा लगा सर, थोड़ा मोटिवेट हुआ मैं, मतलब मेरे को ऐसे हुआ भाई हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा सा स्पीड वगैरह और सब कुछ देखने को मिला। वेरी गुड, एग्जाम बढ़िया था और मोड भी बढ़िया लगा, मतलब पेपर लेवल का एग्जाम था, पेपर लेवल का एग्जाम, आईबीपीएस के लेवल। घर पर इस सीरीज से बेनिफिट तो है, और बेनिफिट के साथ ही अगर आप चलेंगे तभी सिलेक्शन होगा। धींगड़ा क्लासेस आपके साथ है, बने रहिए धींगड़ा क्लासेस के साथ, सिलेक्शन हर हाल में होगा, सिलेक्शन ले करके रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट ऑफिसर, थैंक यू सो मच।